चौधरी खान, चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर, नरेंद्र मोदी, बहन सीमा त्रिखा, अरे सामने चढ़ जाओ यार, कर लो पानी पीछे रख ले, थोड़ा पहले लग जाड़ करो, पीछे रख ले पानी, अरे यार पीछे ले ले, पीछे 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 नहीं, यही हटा रहे हैं ना, पीछे ये सब भी आ रहे हैं, हम अरे पीछे पीछे डालो, हेलो हेलो थोड़ा सेट हो जाओ, और कैमरा नहीं चल रहा, अरे भाई बहुत अकल कर रहा है, थोड़ा फुहारे रहने दो, थोड़ा ये हमारे पत्रकारों के बिग पापा जी पुजानी जाएगा, बिग पापा है हमारे पत्रकारों के पुजानी भाई, सारी सारी टीम मौजूद है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव पत्रकार, सामने सामने करते हैं, अच्छे अच्छे बातें दिखाओ, अपना अरे शिव हाथ में पेड़ ले ले भाई, शिव हाथ में भारत माता की, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, हाँ जी एक और बोला, एक और दो मिनट ले आओ, आओ ये कमिश्नर साहब को बुला लो, ये तो ये तो ये फेस से डाल, फेस से डाल कर एक मत, मैं एक प्रेस की फोटो और मीडिया वाले आओ, खाली एक ले लो, बाकी सबको भेज, आ रहे भाई पंचायत भाई सारे आ जाओ, लेके जाना दिए कैमरा भी कितने का गुल्लू का हमारा कैशियर, तुम मेरे को बता दे, रॉकी 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 स्टार्टिंग जो है आपकी जो 50,000 तो हमें दस ये दो हैं कि अपने इलेक्ट्रॉनिक वाले भी दूसरे दो तीन लोग हैं, जैसे वो वही है 5,000 रुपये करते हैं सीधी साढ़े पाँच, ठीक है सबसे पहले तो मैं गांधी जयंती के इस अवसर पर और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के इस पर तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देने की कामना करता हूं। हमारे देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने महात्मा गांधी जी के सपने को इस धरती पर साकार करने के लिए पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को देश में एक सफाई अभियान स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान शुरू किया था, तब से लेकर आज तक लगातार सरकार भी NGOs भी सब लोग मोदी जी के उस सपने को साकार करने में दिन रात कड़ी मेहनत से लगे और मोदी जी लगातार इस देश के लोगों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि सफाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और आज उसी निमित्त गांधी जयंती पर तमाम फरीदाबाद में कृष्ण सचिव मेरे साथ तमाम कार्यकर्ता और देश फरीदाबाद के तमाम लोग इस अभियान में जी जान से जुटे हुए हैं और लगातार ये अभियान ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सफाई रोज चाहिए, जैसे शरीर की सफाई रोज चाहिए ऐसे ही शहर की सफाई भी नियमित प्रत्येक दिन हमको चाहिए, उसमें हम अपने निगम प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देना चाहते हैं, वो भी इसमें पूरा तरह से पूरा प्रशासन इसमें हमारा सहयोग कर रहा है और जनता और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को सहयोग से हमारे निरंतर प्रक्रिया हम फरीदाबाद में चला रहे हैं और आज उसी पूरे फरीदाबाद में सफाई अभियान जोर शोर से चल रहा है।
सीमा जी आप क्या कहना चाहेंगे कि इस मौके पर ये इस तरीके से याद करना कितना सार्थक हुआ? लेकिन मैं तो ये बार बार कि हमारे देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने सिर्फ जो अंदर हम भूल चुके हैं उसको एक जगाने की कोशिश करी है, और हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं हम तो उनको लाड प्यार से हम तो उन्हें हरियाणा का मोदी कहते हैं, और वो बिल्कुल उन्हीं के परचिनों पर चलते हुए हम लोगों को बैठ करके मार्गदर्शन भी देते हैं, और हमने भी उसी चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है कि हर व्यक्ति जो है अपने आप को सीधा मोदी जी से जोड़ता हुआ महसूस करता है, और इसलिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। आप देखेंगे भी शहर में आज के हर व्यक्ति अपने आप से लगा हुआ है इस सफाई को लेकर। तीस किलो तक जितना ऑर्गेनिक वेस्ट घरों से निकलता है सब बचा हुआ सब इसमें 20 किलो हर रोज इसके अंदर हम डाल रहे हैं कोकोपीट के साथ और माइक्रोब के साथ। कोकोपीट ये है जो नारियल के छिलके का पाउडर है और माइक्रोब 20 किलो ज्यादा है। कूड़े वाला अलग से लेता है घर से कूड़ा किचन वाला और इसमें ला के डालता है 25 घरों का भी हम जब ये पूरा फिल अप हो जाएगा जब इसको बनाते हैं तो फिर दूसरा दो है ना और ये इसमें पाउडर डालते हैं एक अभी बना के आपको पड़ा रहता है इसमें ये बंद रहेगा ये 20 में फिर उसको चालू हो जाएगा मतलब 20 दिन में बनता है ये दो का सर्कल है दो का साइकिल है एक मिनट मैडम बता रही है मैडम बोल दो यार टोटल जो टाइम लगता है वो अप टू 45 डेज लगता है। 20 किलो आप रोज डालोगे इसमें 540 किलो कूड़ा आ सकता है। 20 किलो रोज क्यों ना लगे इकट्ठा क्यों नहीं डालेंगे इसमें? इकट्ठा इसलिए नहीं डालेंगे अगर आप इकट्ठा डाल दोगे तो उसके बाद आप 45 दिन तक कूड़ा कहाँ डालोगे? ये ग्रीन डेली इसके अंदर 20 केजी मतलब अगर हर घर से 1 किलो कूड़ा निकलता है तो 20 घर इसको किचन वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट किचन वेस्ट घरों से और हमने यहाँ पर करना पड़ेगा। हाँ घरों से जो IW है ना उन्हीं को मोटिवेट करना पड़ेगा कि अपने अपने पार्कों में रखें और वहीं पर सब घर वालों से कहें घरों में डबल बिन रखें ऑर्गेनिक अलग और जो घर का कूड़ा कूड़ा कर रहे हैं जो रेत है मिट्टी उसको अलग कर दें वो लोग। और जो पत्ते हैं हमारे ये भी है पत्ते के घाट बनाने के लिए भी है पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है बदबू नहीं है हम रोज सैर करते हैं आप खड़े हो सकते हैं सारा कूड़ा है खड़े कूड़ा से भरा हुआ है और आप साथ खड़े हो कोई बदबू नहीं है। अगर RW की एक बार मीटिंग बुलाई जाए तो फरीदाबाद की बिल्कुल वो करते हैं तो मैं MCF का उपयोग कर सकता हूँ। अंकल हमारे घर से सिर्फ 2 वेस्ट निकलेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और दूसरा निकलेगा इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी हमने कम्युनिटी सेंटर में बॉक्सेस रखे हैं। जितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है सब लोग उस कम्युनिटी सेंटर में डब्बे के अंदर डालेंगे जितनी दवाइयाँ हैं वो उसमें डालेंगे दवाइयाँ गरीबों को जाएंगी जो खराब है वो मेडिकल कंपनीज अपने आप डिस्पोज ऑफ करेंगी और जितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के कंपनीज हैं हिंदुस्तान में ई वेस्ट कलेक्शन कंपनीज हैं वो ई वेस्ट कलेक्ट करेंगी उसकी वैल्यू लगाएंगी ग्रीन सर्टिफिकेट देंगी और उस ई वेस्ट में से जितना यूजफुल होता है वो आगे प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। मैडम वो आप भी आइए आप वाले पैसे भी देंगे वैल्यू पे लगती है जितनी भी उसकी वैल्यू है जो ई वेस्ट जैसे घर में किसी का टीवी खराब हो गया फोन खराब हो गया वायर खराब होगी उसकी वो वैल्यू लगाएंगे वो जितनी भी वैल्यू लगती है एज पर द कंपोनेंट वो वैल्यू भी RW को एक तरह का फंड जनरेट हो जाएगा उसको आगे इसमें यूज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है ये वेस्ट पानी में या मिट्टी में डालें साहब है आप बैठ के प्लानिंग कर लो इसकी है ना तुम दोनों बहन भाई जितना पैसा चाहिएगा RW दे देंगे। चेक करो भाई आप लोगों के लिए विशेष है मीडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए प्रेजेंटेशन के लिए सब आर्टिकल वही रखेंगे साथ में
करके ना अच्छा है। स्मार्ट सिटी बनाना है तो ये बहुत जरूरी है सर। पहले हम शहर बना लें फिर स्मार्ट तो बना ही लेंगे। सफाई शहर बन गया काम आसान है। पब्लिक पार्टिसिपेशन जगह जगह आपने तो वहाँ मीटिंग रन करानी है, मोटिवेशन करना है, ताकि फंड तो हम जनरेट करेंगे। सर मैं एक ना छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। इसका ना एक एक घर का भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर 20-20 घरों का इकट्ठा होगा ना तो हो जाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी आदत नहीं हम लोगों की इकट्ठा होने की। कोई बात नहीं, आर्या भाई लो भाई लो फोटो। जितना आप लोगों का ऑर्गेनिक वेस्ट है घर में, जितना गीला कूड़ा, चाहे वो सब्जी के छिलके हो, फ्रूट के छिलके हो, बचा हुआ खाना हो, 20 किलो तक का खाना डेली हम इस कंपोस्टर के अंदर डाल सकते हैं। इसमें कोई स्मेल नहीं है, इसके अंदर 20 घरों का कूड़ा आराम से मैनेज हो जाता है। और आप लोगों को किसी भी पॉलिथीन में कूड़ा देने की कूड़े वाले को जरूरत नहीं है। कूड़े वाले को सिर्फ और सिर्फ रिसाइकल कूड़ा जो हो सकता है, जिससे उसकी अर्निंग होती है, सिर्फ उसे वो कूड़ा दीजिए। और जितनी दवाइयाँ और जितना मेडिकल वेस्ट है उसको सेपरेट रखिए। और इसके अंदर डेली 20 किलो कूड़ा डालेंगे, 540 किलो कैपेसिटी है इसकी। और इसके अंदर 45 डेज के अंदर एक प्योर ऑर्गेनिक मैन्यूर तैयार होगा, जिसको अपने प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। और दो चाहिए, क्योंकि एक भर जाएगा तो दूसरे को शुरू कर लेंगे। पहले वाला तो 60,000 रुपए में ये दो पेड़ कंपोस्ट कितना टाइम में तैयार हो जाएगी? अप टू 45 डेज। लेकिन हमने अब कुछ चेंजेस लाए हैं, जिससे अब हम 25-25 दिन में तैयार करेंगे। सर्कल बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। दो इसलिए है कि एक भरता रहे, जब एक भर जाएगा तो दूसरे पे हम भरना शुरू कर देंगे। जब तक बन चुकी हो आप देख सकते हो, इसकी कोई बदबू नहीं है, कोई गंदगी नहीं है आसपास। हम तो कहते हैं 21 वालों को पहले सलाम करते हैं कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। और आप लोग आए यहाँ पर दो अक्टूबर का ये दिन है, तो इसके लिए इससे बढ़िया दिन कोई नहीं हो सकता। तो ये इनॉग्रेशन हम कर रहे हैं, हालांकि 15 दिन से ये हमने शुरू किया हुआ। इनॉग्रेशन आज हो रहा है स्मार्ट सिटी में नंबर 1। गांधी सीमा जी जानती है मुझे। मैं पिछले 10 साल से घर के लेवल पे यही सेम खम्बा यूज करके खाद बना रही हूँ। मैं यही कह सकती हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है, जब कमिश्नर साहब ने मीटिंग करी थी IMSME ऑफ इंडिया के साथ, तब भी मैं वहाँ थी, तो मैंने कमिश्नर साहब से एक बिल्कुल ठोक के बोला था कि आप एक रूल निकाल दो कि सेग्रीगेशन जरूरी है। जैसे फॉरेन में रूल है, कोई भी सेग्रीगेट करके कूड़ा, ऑर्गेनिक वेस्ट या दवाई कुछ भी कूड़ा, सेग्रीगेशन घर के लेवल पे नहीं होगा तो आप कुछ भी लगा लो सर, आपको रूल निकालना होगा, जो सेग्रीगेट नहीं करेगा उसको फाइन लगाओ या कुछ भी लगाओ। तो आपका स्मार्ट सिटी बनाने में मैं सोचती हूँ सबसे पहला काम ये होगा, तो स्मार्ट सिटी बनते देर नहीं लगेगी। आपको मैंने पहले आपके बिना हमारे RWA लेवल के ऊपर तो कर ही रहे हैं। स्मार्ट सिटी का तोहफा मिला है, किस तरह की तैयारी है और आज क्या स्पेशल? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कह दूं कि पिछले साल 2 अक्टूबर को हमारे देश के कर्मियों की प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो गांधी जी का स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का अभियान की शुरुआत की थी, उसमें पूरे देश में वो जागरूकता पैदा करने में सफल हुई। क्योंकि स्वच्छ भारत का सपना तभी लागू होता है जो आम आदमी की उसमें भागीदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का मकसद भी यही है कि लोगों को हम मोटिवेट करें, जागरूक करें उनको कि वो स्वच्छ भारत चाहिए, इस देश को स्वस्थ रखें। पर हम देख रहे हैं कि आज पूरे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लोगों को जगाने की जरूरत है और वो काम आदरणीय मोदी जी और मनोहर जी की सरकार बहुत ईमानदारी के साथ और बुलंद इरादों के साथ और पूरी नेक नीयत के साथ कर रही है। उसी का परिणाम एक नया तरीका अभियान यहाँ पर चलाया है कि कूड़े से ऑर्गेनिक खाद बनाना, जो वेस्ट है घर का उसको डालकर जगह जगह RWA में पार्कों में रखकर वेस्ट से ऑर्गेनिक खाद बनाना, उसको पार्कों में लगाना, पेड़ों में लगाना, ये भी एक स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। और शुरुआत की किसी की RWA ने, उनको मैं बधाई देता हूँ और मैं मान कर चलता हूँ। अच्छे काम में जनता की भागीदारी निश्चित तौर पर बढ़ती है और एक अच्छे काम की शुरुआत
आदरणीय मोदी जी और मनोहर जी की सरकार ने की है और लोगों को लगना है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं समझता हूँ इसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। टॉप 100 में तो आ चुके हैं, टॉप 20 में आने के लिए किस तरह की तैयारी? देखिए टॉप 20 में आने के लिए जब 100 में आए तो 20 में भी मुझे उम्मीद है। जिस तरह का सहयोग फरीदाबाद के लोगों को मिल रहा है, हमारे प्रशासन के अधिकारियों का मिल रहा है, दोनों तरह से आम नागरिक भी फरीदाबाद का और हमारे अधिकारी भी दोनों पूरी मेहनत के साथ टॉप 20 में आने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है जब सबका सहयोग रहेगा तो 20 में भी फरीदाबाद निश्चित तौर पर आएगा। फायर ब्रिगेड से छिड़काव करवा रहे हैं, अगर और नहीं आएगा तो हम सारे क्लियर से जुड़ी हुई है वो सारी सुविधाएं फरीदाबाद में होनी चाहिए, सारा केबल नेटवर्क अंडरग्राउंड होना चाहिए। और जैसे पानी की निकासी की बात हुई तो पानी की निकासी का प्रबंध इस तरह से हो कि वो अपने आप ही सारा का सारा बारिश ऐसे हो रही है साथ साथ या तो अंडरग्राउंड हो जाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू या बहता हुआ सीधा नालों में होते हुआ जमुना में जाए, इस तरह का प्रोविजन हो। सड़कें भी एक भाई ने कहा जैसे कि भी गारंटी वाली होनी चाहिए, बिल्कुल सही सुझाव है। हमारे यहाँ एक साल का प्रोविजन हम करते हैं कि भी एक साल तक कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन करेगा, लेकिन अगर उसको हम बढ़ा करके जैसे आपने कहा भी 3 साल या 5 साल इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से और अच्छे सुझाव डिजिटल फरीदाबाद बनाने के लिए स्मार्टनेस के लिए वो बताएं आप सारे के सारे सुझाव दें तो वो हम इसमें क्लब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नंबर है और अभी जो दौड़ चल रही है वो टॉप 20 में आने की चल रही है। जो टॉप 20 में पहले आएगा उसको पहले पैसा मिलेगा, कहते हैं पहले आओ पहले पाओ, और जो बाद में रह जाएंगे वो रह जाएंगे। उसमें हमें पूरे फरीदाबाद को एक साथ एकजुट होकर के इसमें कार्य करना होगा।